पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बवाल लगातार जारी है। इस बीच सूत्रों के हवालों से ये खबर आया है कि राहुल गांधी के ऑफिस और कांग्रेस आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के नेताओं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दिए गए बयानों की वीडियो क्लिप और पूरी रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी पंजाब कांग्रेस के नेता खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की ओर से दिए गए बयानों की रिपोर्ट दिल्ली आला कमान की ओर से मांगी गई है। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन लाल सिंह ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की तरफ से ही दी जाएगी और वो फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद है। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस के विधायक भी खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू की खिलाफत करने लगे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टेटमेंट दिया कि उसने उन तमाम नेताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया जो पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए फील्ड में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कोई भी समस्या थी तो उन्हें बंद कमरे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी, न कि यूं पब्लिकली मीडिया और सार्वजनिक मंच से स्टेटमेंट देकर पार्टी का नुकसान करना चाहिए था। वहीं अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी विवाद पर चुटकी लेते हुए राणा ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल और गांधी और पार्टी आला कमान की शह पर ही नवजोत सिंह सिद्धू इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके पद से हटाया जा सके। अगर कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसे में साफ है कि कांग्रेस आला कमान की शह पर ही नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी कैप्टन को टारगेट करने में लगी हुई है।